मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अपन ने पिछले क्लास के अंदर एक्सरसाइज 9.4 करी थी। आज अपन 12 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 9.5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो पहले अपन इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, x का कोफिशिएंट 2 का हाफ बस 1 का स्क्वायर 1, तो इस 10 के पूरे कर दिए 1 प्लस 9। तो अपने पास फर्स्ट टर्म से क्या बना, dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहा है, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। dx upon x square plus a square का इंटीग्रेशन क्या होना है अपने पास, 1 upon a tan inverse x upon a plus c। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन, 1 upon 2x square plus x minus 1। dx upon पहले तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x square plus x by 2 minus 1 by 2। इस 2 को बाहर निकालते हैं, 1 upon 2 dx upon x square plus x by 2, x का कोफिशिएंट 1 by 2, 1 by 2 का हाफ करेंगे 1 by 4, 1 by 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 by 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस 1 by 2। dx upon ये पूरा बन गया कितना, x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर, 1 बाय 4 का स्क्वायर 1 बाय 16। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय 2 प्लस 1, सॉरी 16 का हो गया। हां तो 1 बाय 2 dx अपॉन x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 by 2, 9 by 2, dx upon x plus 1 by 4 का square minus 3 by 4 का। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx upon x square minus a square, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 upon 2a, a की वैल्यू क्या है 3 by 4 log x minus a upon x plus a plus 2 to the 4, 4 to the 4 can be 1 upon 3 log 4 lcm आ गया कि 4, 1 minus 3 minus 2, sorry 4x minus 2 upon 4x plus प्लस। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, जो 9 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9 x प्लस 8 अपॉन 9, dx upon x square minus 12 upon 9 plus 3 4 and 5 this is the 9 x plus 8 upon 9 dx upon x square minus 4 upon 3 4 upon 3 का आप करेंगे तो 2 upon 3 2 upon 3 का whole square add कर दिया, 2 upon 3 का whole square minus 4 plus 8 upon 9। तो यहाँ पर आ गया 1 upon 9 dx upon फर्स्ट रिटर्न से क्या बन गया, x माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 2 टू द 4 a माइनस 4 4 प्लस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है अपने पास, 1 अपॉन a, a की वैल्यू क्या है अपने पास 2 अपॉन 3 tan इनवर्स x, x वैल्यू क्या है x माइनस 2 बाय 3 upon 2 by 3 plus
Now, this is equivalent to the previous things. Tan inverse 3x minus 2 upon plus. Next question. Fourth question hai aapke paas. 1 upon b plus 2x minus x square. इसमें से पहले माइनस कॉमन लेते हैं. माइनस dx upon x square minus 2x minus 3. तो ये हो गया x square minus 2. x का कोफिशिएंट 2 2 का हाफ 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2. ये क्या हो गया अपने पास dx upon x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर. dx upon x square minus a square minus log x minus a upon x plus a plus c minus log x minus b upon x plus 1 plus clear mark minus upper division is inverse to the other people colored the x plus 1 upon x minus 2 plus here next question fifth x upon x to the power 4 plus x square plus 1. हाँ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं x dx upon x power 4 by 2 square तो इसका प्लस x square प्लस 1 x square का एज्यूम कर लेते हैं t. तो अपने पास क्या है 2x dx equals to dt x dx equals to dt बटा 1 upon 2 बाहर निकाल दिया dt upon t square plus t plus 1. हाँ वही कंप्लीट स्क्वायर t स्क्वायर प्लस t की का कोफिशिएंट 1 1 का 1 बाय 2 1 बाय 2 का स्क्वायर जोड़ दिया 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया प्लस 1. तो ये 1 बन गया t प्लस आपका होल स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 4 t बाय 4 dt अपॉन t प्लस आपका स्क्वायर. इसको स्क्वायर रूट में लिखो तो रूट टी बाय टू का होल स्क्वायर. ये क्या हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या होता है टैन इनवर्स एक्स 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 1 अपॉन रूट टी टैन इनवर्स 2 एल से मार्क कर 2 टी प्लस 1 अपॉन क्लियर है बात. नेक्स्ट cos x upon sin square x cos x upon sin square x plus 4 sin x plus 5. तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन sin x पर रिव्यू करेंगे cos x dx is equal to dt. तो अपने पास क्या हो गया dt upon t square plus 4 t plus 5. t का कोफिशिएंट 4 होता है स्क्वायर नहीं t का कोफिशिएंट 4 होता है आपको 2 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा dt upon t square plus 4 t plus 4 plus 5. तो यहाँ पे ये बन गया क्या t plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा t इक्वल टू 1 है tan इनवर्स t प्लस 2 प्लस. हां यहां पे t की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन t tan इनवर्स 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t. यहां पे भी t की वैल्यू रखते हैं tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है sin x प्लस 2 प्लस. क्लियर है बात. बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस. ओके फ्रेंड्स. Thank you.